यह है मशहूर टीवी सीरियल बालिका वधु और सात फेरे के लेखक राजेश दुबे। एक दिन किसी ने इन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। उस ग्रुप में शेयर ट्रेडिंग से मुनाफे की बातें होती थी। राजेश दुबे के मुताबिक मुनाफा देख उन्होंने भी शेयर में ट्रेडिंग की इच्छा जताई, तो उनसे एक नामी शेयर ट्रेडिंग कंपनी का फॉर्म भरवाकर इंडास ऐप डाउनलोड करने को कहा गया। दुबे के मुताबिक वो जितना पैसा इन्वेस्ट करते उसमें मुनाफे के साथ दिखता। जब 18.5 लाख रुपए हो गए तो मैंने एक बार पैसा निकालने की कोशिश की कि सारा पैसा निकाल लूं, लेकिन वो विड्रॉ नहीं हुआ। मैंने उन लोगों से बोला जो असिस्टेंट है उनकी, तो बोले आप 1 लाख रुपया विड्रॉ डालो। मैंने 1 लाख रुपये विड्रॉ डाला तो इसने मुझसे IFSC वगैरह पूछ ताछ के और मुझे 1 लाख रुपया वापस कर दिया। तो विड्रॉ हो गया 1 लाख, तो मुझे लगा कि शायद ये लोग जेन्युइन लोग हैं, तो मैं इनके भरोसे में आ गया। राजेश दुबे के मुताबिक एक बार भरोसा जीतने के बाद उन्होंने IPO में निवेश कर बड़े मुनाफे का लालच दिखाया। ये भी कहा कि ये पैसे न देने पर 18 लाख भी डूब जाएंगे। मेरे 18.5 लाख रुपये उसमें जमा थे। उसके बाद में फिर मैंने मेरे भतीजे से कुछ पैसा उधार लिया, 32 लाख रुपया, और इनको 51 लाख रुपया इनको मैंने भरा। तो बोले अब आपको 15 लाख और भरना, मैं 20 लाख कंपनी से आपको लोन दिलवा देती हूँ। ये करके उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपये और जमा करवाए और 20 लाख रुपये बोलते हैं कि लोन दे दिया आपको और मैं आपको आपके शेयर खरीद लिए, और ये बोल के उन्होंने शेयर खरीद लिए। सारे शेयर भी उस पर अपडेट हो गए वो शेयर। उसके बाद में 2-4 दिन बाद IPO खुला तो बोले आपने 3 करोड़ रुपया कमा लिया है। राजेश दुबे का कहना है कि उन्होंने जब फिर से पैसे निकालने चाहे तो पहले लोन खत्म करने के लिए और 20 लाख भरवाए, फिर अकाउंट फीस के लिए 6.80 लाख भरवाए। उसके बाद भी पैसा नहीं निकलने पर 3 लाख और सिक्योरिटी फीस भरने को कहा तो शक हुआ और उन्हें पुलिस में शिकायत करवाई। तब पता चला कि ये सब फ्रॉड था। राजेश जैसे अनेकों लोग रोजाना ठगे जा रहे हैं, इसलिए लोगों में जागरूकता और ठगी के पैसे वापस दिलाने के लिए मुंबई पुलिस ने साइबर शील्ड प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसके तहत शहर के सभी पुलिस थानों में साइबर कमांडो की तैनाती की जा रही है। साइबर शील्ड जो है मुंबई पुलिस का एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर साइबर रिलेटेड जो हमारी प्रिपेयरनेस है, इसमें साइबर के बारे में हमारी जो मुंबई पुलिस की साइबर सेल्स हैं उनको अच्छे से इक्विप करना है। जैसे हमने 13 जोनल साइबर लैब को अभी इक्विप किया है, उसके साथ साथ अगले फेज में हम प्रत्येक पुलिस स्टेशन में इस तरह की साइबर सेल को तैयार करेंगे। अभी शुरुआती दौर में 200 साइबर कमांडो तैयार किए गए हैं, जो अपने पुलिस थानों में दूसरे पुलिस कर्मियों को ट्रेन करेंगे। पुलिस के मुताबिक पहले तो सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी अगर ठगी हो जाती है तो तुरंत 1930 पर डायल कर रिपोर्ट करें, ताकि अकाउंट फौरन फ्रीज किया जा सके। पुलिस के मुताबिक 1930 के जरिए पुलिस रोजाना 50 से 60 लाख रुपए लौटाने में कामयाब रही है। मुंबई से कैमरामैन संतोष के साथ सुनील सिंह, NTV इंडिया के लिए।